शहर के सड़कों की दुर्दशा के साथ ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुधवार को दुर्ग के बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पास धरना प्रदर्शन व रैली निकालकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि नेहरू नगर चौक से फूलगांव चौक तक लगभग 67 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण कार्य चल रहा है, जिसकी कार्य अवधि जनवरी 2022 थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, बल्कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितता दिखाई दे रही है। इस मार्ग के डामरीकरण में पुरानी जर्जर सड़क को उखाड़कर डामरीकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता का स्तर खराब होने लगा है। वहीं वाशिप ओवरब्रिज के नीचे से लेकर कचहरी तक पूरे मार्ग में धूल के गुबार उड़ रहे हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। इसी प्रकार सड़क की चौड़ाई में भी मापदंड का पालन नहीं किया गया। सड़क डिवाइडर के एक तरफ मालवीय नगर चौक के पास स्थित हनुमान मंदिर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया, तो वहीं बस स्टैंड के सामने स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को बाधक मानकर हटाने की तैयारी की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ प्रार्थना स्थल चर्च को बचाने चर्च के दीवार से बस स्टैंड गेट तक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार नाली पुलिया बनाकर सड़क की चौड़ाई कम कर दी गई है। और यहीं पर स्थित छोटे हनुमान मंदिर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। उक्त विषय पर पूर्व में भाजपा व अन्य हिंदुवादी संगठनों ने लगातार आपत्ति दर्ज कराई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा गंज मंडी के सामने मुख्य मार्ग में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को हटाने की तैयारी में है। इस प्रकार सड़क चौड़ीकरण में भेदभाव करते हुए बस स्टैंड में मार्ग के दूसरी तरफ चौड़ाई को डिवाइडर से दोनों ओर बराबर नहीं करते हुए सर्वाधिक दबाव वाले मुख्य मार्ग से बस स्टैंड जिला अस्पताल से कचहरी चौक के चौड़ाई दोनों ओर समान नहीं है और केवल मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा फूलगांव चौक से अंजोरा चौक तक लगभग 90 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही है। पूरे रास्ते भर लोग धूल से परेशान हो रहे हैं और लोग सड़क के गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त अलग हो रहे हैं। इस संबंध में घेराव करने आए भाजपा पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। दूर शहर की जनता के विभिन्न मांगों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया। उस मांग में प्रमुख मांग ये रही कि विगत एक साल से दुर्ग शहर का जो मेन रोड का जो काम है वो चल रहा है, पूरे शहर धूल से व्याप्त है, हजारों गड्ढे हैं जिसमें आम जन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग के नेतृत्व में उषा ठाहरी जी, दिनेश देवांगन जी, ललित चंद्राकर सभी के नेतृत्व में हम लोग ने आज कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी का घेराव किया और साथ साथ ये मांग किया कि एक हफ्ते के अंदर में आप रोड पर डामरीकरण करिए। और जो अव्यवस्था है, कहीं पर इन लोगों ने स्टॉपर नहीं लगाया है, कहीं पर इन लोगों ने ब्रेकर नहीं बनाया है, इस प्रकार की जो अव्यवस्था है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करें, ये हमने मांग करके ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी ज्ञापन सौंपा गया, उन्होंने उनको मुद्दा उठाया था हनुमान मंदिर रास्ते में आ रहा है उसको हटाने का, प्लस उधर चर्च बना हुआ उसको हटाने की बात कर रहे थे। और चूँकि नवरात्रि आने वाली, इसमें जो रोड में गड्ढे हैं या धूल रही है उसको दूर करने की बात उन्होंने संबंधित ज्ञापन दिया है। उनको आश्वासन दिया गया है कि इसको मंदिर तो खर्च जल भामा के अनुरूप ही किया जाएगा, तोड़ने का सवाल नहीं उठता। जब तक जल माना तैयार नहीं होगा, जिनका मंदिर समिति तैयार नहीं होगी, तब तक व्यवस्थापन व्यवस्थापन के लिए मंदिर हटा से बन रहा है, लेकिन तब तक उनकी सहमति नहीं हटाया जाए। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि चलना जनता को है, रोड अभी चल रही है, वैसे बना के छोड़ दूंगा। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया पार्टी वालों को, ठीक है। दूसरा, अंजोर रोड में उन्होंने धूल की समस्या बताई कि पानी डालना चालू हो गया, जब तक दामन में होता पानी उसमें डलता रहेगा। मापदंड बराबर दोनों के लिए, चर्च जो है मेरी सीमा से पूछो, वहाँ 14 मीटर जमीन चाहिए, वो 16 मीटर उसकी बाउंड्री वाला आ रही है। इधर मंदिर जो है रोड के इसमें करीब बाउंड्री लाइन अंदर आ रहा है। अब जैसा जनमानस चाहेगा, प्रशासन चाहेगा, वैसा काम किया जाएगा। ठीक, हम तो एजेंसी में काम करने के लिए सर, का तो नहीं है, लेकिन ये जहाँ कहीं भी टेढ़ा थोड़ा दिख रहा है, आपको पता होगा कि शहर में कब्जे तोड़ना या लगानी जमीन किसी लेना बहुत कठिन काम है। मुआवजा में इस समय में प्रावधान नहीं है, क्योंकि शहर के लोगों सबको पता है कितनी चौड़ी है, पर्याप्त है। तो जहाँ जहाँ भी जैसे बिजली खंभा आ गया, कहीं
उसको शिफ्ट करने की जगह नहीं है, कुछ बहुत पुराने पेड़ आ रहे हैं और प्योरली एक फीट नाली घुमाने से पेड़ 50 साल पुराना बच जाता है, उससे अच्छी बात हमारे लिए समाज के लिए नहीं होगी। ये सोच रख के थोड़ी बहुत कहीं नाली टेढ़ी की गई है, वहाँ किसी की जमीन या किसी बचाने का आपको देखा होगा, बचाने को देखा यानी किसी व्यक्तिगत विशेष को फायदा पहुँचा खम्भे या किसी का। दुर्ग पीडब्ल्यूडी द्वारा जो साइंस कॉलेज से लेकर पुलगांव चौक तक रोड बनाया जा रहा है, उस रोड में जो नालियां बनी है सांप आकार की नालियां हैं और सड़क का समांतर रूप से नहीं बनाया गया, डिवाइडर की दोनों ओर जबकि समान सड़क होती है लेकिन डिवाइडर के एक तरफ कहीं कम कहीं ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये दुर्ग विधायक के निर्देश के अनुसार हो रहा है और भेदभाव बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहाँ चर्च आ रहा है वहाँ पे सड़क को पतली कर दी जा रही है ताकि चर्च को नुकसान ना पहुँचे, एक ओर जहाँ मंदिर आ रहा है मंदिर को तोड़ने के लिए उस सड़क को चौड़ी किया जा रहा है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज उग्र आंदोलन कर रही है। आज सड़क पर बैठ कर जन समर्थन लेते हुए विरोध जताते हुए आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस में इस साहब का घेराव करी है और ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता जैसे चाहेगी आप जैसे चाहेंगे वैसे होंगे, मंदिर को छुएंगे नहीं, अगर मंदिर को छुएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर को हटाएगा उसको हटा देगी। इसके लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी आज पीडब्ल्यूडी विभाग में इसका बात का विरोध करने आई है। ठीक, ये शहर विधायक कहते हैं कि भाजपा वाले अनजान हैं, वाकई में अनजान हैं कि 164 करोड़ रुपए के बोर्ड टंगे हैं वो सड़क कहां बन रही ध्रुव शहर में, वाकई में अनजान है। अगर वो कहते हैं कि तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 112 करोड़ रुपए लाए हैं तो हम खोज रहे हैं कि वो कहाँ है, तो इन मामलों में अनजान है। दूसरा विषय है, हम भले अनजान हो सकते हैं, दुर्ग शहर का नागरिक अनजान नहीं है, वो देख रहा है कि दुर्ग जी रोड की चौड़ाई कहीं कम कहीं ज़्यादा और धर्म विशेष के स्थलों को बचाने के लिए कम ज़्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा माननीय विधायक जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक रुपया ला नहीं पा रहे हैं प्रदेश सरकार से, प्रदेश सरकार में उनकी चलती नहीं है, इसलिए वो व्यर्थ की बयानबाजी करते हैं। एक तरफ तो शराब दुकान खुलवाते हैं और दूसरी तरफ सुबह जाके लोगों को बोलते हैं मैं शराब दुकान नहीं खुलने दूंगा। माननीय आपकी सरकार है, अगर शराब दुकान खुल रही है तो आपको जानकारी नहीं है, ये आपकी प्रशासनिक अक्षमता है और भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हमारे विधायक में प्रशासनिक क्षमता नहीं है। चौड़ीकरण में जो भेदभाव बरता गया उसके लिए अशोक श्रीवासी ने ये कहा है कि मंदिर नहीं हटेगा, हमारा मूल मुद्दा चलिए वो ठीक है लेकिन हम चाहते हैं कि वह सड़क समानांतर ढंग से बने, सड़क की चौड़ाई कहीं कम कहीं ज़्यादा। अब ये सांप छाप नाली कैसे बनाते, ये माननीय अरुण वोरा जी के निर्देशन में ऐसा काम हो सकते, नहीं तो इस सड़क का जो पूरी राशि है उसका दुरुपयोग हुआ है, इसलिए हमें सड़कों पर आना पड़ा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।